सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। गढ़ी मलहरा महाराजपुर में जल वर्धन योजना के तहत हर घर नल योजना का हुआ शुभारंभ। विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने किया भूमि पूजन। क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, महाराजपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सपना महादेव खटीक, गढ़ी मलहरा नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती नीता अहरवार द्वारा हर घर नल योजना का भूमि पूजन किया गया। इस योजना में लगभग 54 से 57 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत उर्मिल डैम से नगर गढ़ी मलहरा व महाराजपुर में 24 घंटे फिल्टर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस योजना को पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह ने विधानसभा में रखा था, जिसका लाभ आज गढ़ी मलहरा व महाराजपुर के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह द्वारा 4 कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें सुख सागर तालाब गढ़ी मलहरा में पिकनिक पॉइंट, महाराजपुर शिव सागर तालाब का सौंदर्यीकरण, महाराजपुर में नए पार्क की भूमि पूजन, गढ़ी मलहरा लोगासी रोड पर नए पार्क का भूमि पूजन भी शामिल है। गढ़ी मलहरा से अमर चौरसिया की खास रिपोर्ट। जब इसका नेतृत्व कर रहे थे, उनकी कार्यकाल में यह योजना स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन सरकार वो समय आ गया है जिन्हें अपन को सालों से इंतजार था बेसब्री से, वो अब आज दोनों नगर का पेयजल संकट खत्म होगा। इस और विशेषज्ञों के मतानुसार जो पार्शली सप्लाई अपन करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, उससे पानी की बर्बादी नियमित सप्लाई से कहीं ज़्यादा होती है। इसी थीम पे ईडीबी ने यह स्वीकृत किया है कि इसको 24 घंटे 7 दिन आपको कहीं भी पानी संग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी नल खोलेंगे आपको पानी मिलेगा। जहाँ तक अगर रेट की बात की जाए, रेट आपके नगर पालिका को डिसाइड करना है। जो अभी आप व्यय कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे कम ही रेट जाएगा। ज्यादा शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, भवराजा साहब, उनके माध्यम से ये महाराजपुर, गढ़ी मलहरा, नौगांव, हरपालपुर चारों नगरों के लिए ये प्रस्ताव दिए गए थे और उस टाइम से ये कार्य हमारे सैंक्शन हुए थे, जिससे हमारी विधानसभा के चारों नगर जल से भरपूर हमें उपलब्ध होगा जल। और आज ये सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों के सामने आज के दिन मुझे यहाँ इस मंच पर खड़े होने का मौका मिल रहा है और इस कार्य की शुरुआत हम सबके मध्य आज यहाँ हो रही है। तो आप लोगों से एक बार निवेदन है कि भवराज साहब का, हमारे सरपंच साहब का एक बार ताली बजा के बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। जल योजना का कार्य शुरू का शुभारंभ का, तो सभी हमारे महाराजपुर गढ़ी मलहरा के सभी पधारे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता और नगर के सभी लोगों की भूमि पूजन कर हम लोगों ने उसका कार्य का शुरुआत करी। रेट का अब उसका क्लियर हो जाएगा परिषद में, दोनों जगह का है, उसकी और जानकारी हम लेके आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अभी 57 करोड़ का जो कार्य शुरू हो रहा है, तो इसका कार्य इन 4 साल के अंदर उनको कंप्लीट करना है, लेकिन ठेकेदारों के माध्यम और अधिकारी के माध्यम से जानकारी आई कि वो लोग 2 साल के अंदर इसको कैसे भी कंप्लीट करके, कई खेल ग्राम है, कई स्टेडियम के काम है, 4 हमारे नगर पालिका परिषदों के लिए एम्बुलेंसेज हैं, वेंटिलेटर वाली बड़ी वाली, और शव वाहन भी हैं, और लुगासी के आसपास के रोडे भी हैं, और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आपके महाराजपुर गढ़ी मलहरा में ग्रामीण क्षेत्रों की सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए 16 करोड़ हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन हुए हैं लुगासी, गढ़रौली और हरपालपुर में, जो कि 1 करोड़ 59 लाख की लागत से एक बनेगा। ऐसे 3 है तो 4 करोड़ के ऊपर के ये काम है, और उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे 5 जगह सैंक्शन हुए हैं।